हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं आज घूमने। अपने आज बेबी की छुट्टी है इसलिए घुमाने ले जा रहे हैं। हम ऐसी जगह जा रहे हैं वहाँ जहाँ बहुत इंजॉय करेगा ये, आप भी इंजॉय करिएगा देख के। हम वहाँ पहुँच के ब्लॉग आपको बता के दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे वीडियो में ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू। हम पहुँचते हैं फिर आपको बताते हैं। बाय। हेलो दोस्तों, देखिए अब हम पहुंच चुके हैं गार्डन के बाहर। ये है सदर जबलपुर का गार्डन, ये कैंट एरिया कहलाता है। तो बहुत ही सेफ्टी रहती है यहाँ, किसी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है क्योंकि कैंट एरिया है एक तो इसलिए बच्चों के लिए भी बहुत सेफ्टी है। बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत बड़ा। अगर आप यहाँ झूले इतने सारे हैं, देखिए ये सामने कैंटीन है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंटीन में आपको पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम सब पेटी सेटिस मिल जाएगा। तो आज मैं बेबी को घुमाने लाई थी क्योंकि सोचा कि चलो आज घुमा देते, उसके पेपर चल रहे हैं तो थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और हम लोग भी घूम लेंगे, थोड़ा अपना बचपन जी लेंगे। क्योंकि यहाँ इतने सारे झूले, यहाँ लेडीसें बहुत झूला झूलती हैं, बड़ी बड़ी लेडीसें जो आती हैं, बड़े लोग वो भी बहुत झूला झूलते हैं क्योंकि यहाँ झूले बहुत हैं, बहुत सारे, इसलिए बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं। तो हम आज आप पहुँचे हैं गार्डन सदर के। अगर आप जबलपुर में रहते हैं, अगर आप कभी नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए, अपने बच्चों को घुमाइए क्योंकि हम बहुत इंजॉय करते हैं। बच्चे इतने ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ आके क्योंकि झूले इतने हों और हम बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें तो पेरेंट्स भी खुश रहते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत सारे झूले, अभी नए नए झूले और लग गए हैं और बहुत ही साफ सुथरा गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन है। ग्रीनरी बहुत सारी बहुत है यहाँ। तो देखिए बहुत सारे लोग आए हैं और अभी 4 o'clock हो रहा है, हम 4 o'clock आए हैं। तो बहुत अच्छी धूप लग रही है, बहुत ही, मतलब ना बहुत तेज़ धूप है ना बहुत लाइट धूप है, बहुत अच्छी धूप है। ये स्लाइडर है, शुरू में ही गेट के जस्ट फर्स्ट में ही ये स्लाइडर पड़ता है, सीमेंट का बना हुआ है। तो इसमें बच्चे इतना वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सही नहीं सीमेंट का है तो बच्चों को डर लगता है, ऊपर से बहुत ऊंचाई है। ये अभी नए नए कुछ कुछ झूले लग गए हैं तो हमने सोचा चलो आज बच्चों को झूला देते हैं। और जो हमारा दूसरा गार्डन है जबलपुर का भंवरताल, वहाँ झूले हैं पर वहाँ बहुत कम झूले हैं, वो भी गार्डन बहुत सुंदर है। कभी आइए जबलपुर तो ज़रूर गार्डन घूमिएगा जबलपुर का, क्योंकि हमारे गार्डन जबलपुर नगरी के दोनों गार्डन बहुत सुंदर है। तो आइएगा ज़रूर, जब भी आप जबलपुर आते हैं तो अपने बच्चों को जरूर घुमाइए, यहाँ आप भी घूमिए। तो अब हम आ गए हैं, देखिए बच्चे झूले के लिए ही फर्स्ट भागते हैं। तो बच्चा झूला झूल रहा है, झूलने लगा है। मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड उसको देख रहे हैं कहीं कोई गिर न जाए। यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बहुत आते हैं, बहुत बैठे हुए हैं देखिए। तो यहाँ फ़ोटो शूट भी बहुत होता है, कई लोग फ़ोटो शूट भी करवा रहे हैं। और यहाँ अब तो पहले तो कैमरामैन नहीं रहते थे, अब तो यहाँ साइड में कैमरामैन भी रहते हैं। आप जैसे चाहे पोज में अपनी फ़ोटो बहुत सुंदर सुंदर आप क्लिक करवा सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी। हमने तो अपने बच्चे की करवाए हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, शाम का टाइम है तो मॉर्निंग में इतनी भीड़ नहीं होती, इवनिंग में ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि सभी लोग इवनिंग में ज़्यादा फ्री होते, लेडीज़ें घर से ज़्यादा फ्री होती हैं इवनिंग में। तो यहाँ जो ब्रिज है वो बहुत ही सुंदर है। अभी तो मैं 4 बजे आई हूँ, अगर आप और शाम को आएंगे तो फाउंटेन चालू हो जाता है, फाउंटेन जब चालू होता तो बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर। तो हमने भी फ़ोटो यहाँ क्लिक करवाई, बहुत सुंदर फ़ोटो क्लिक हुई। जो भैया ने फ़ोटो कैमरामैन खड़े थे उन्हें 30 रुपीज़ में एक फ़ोटो देते हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है, अच्छी है, आप क्लिक करवा सकते हो यहाँ आके फ़ोटो। बहुत लोग शूट भी करवा रहे हैं, वीडियो शूट हो रहे हैं यूट्यूब के लिए बहुत सारे लोग। देखिए मेरे हस्बैंड उसको झूला झूला रहे हैं क्योंकि और कोई नहीं उसके साथ खेलने के लिए, किसी अनजान के साथ अपन खेलने नहीं दे सकते। मैंने सोचा मैं भी अपना थोड़ा बचपन जी लूँ तो चलो मैं भी थोड़ा सा झूला झूल लेती हूँ, तो इसलिए थोड़ा डरते हुए झूल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद झूल रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इंजॉय अपन भी करते, ज़रूरी नहीं कि बच्चे ही बस इंजॉय करें, क्योंकि हम इंजॉय करेंगे तभी हम दिल दिमाग से फ्रेश रहेंगे, तभी आगे का अपने अच्छी अच्छी पॉजिटिव सोच ला पाएंगे। तो देखिए यहाँ जो ट्री है उससे भी एनिमल्स बने हुए हैं, यहाँ बहुत बड़ा सुलभ शौचालय भी बना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों को, अगर कहीं पॉटी या सूसू लगी है बच्चों को तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा गार्डन और अच्छा बन गया है क्योंकि यहाँ जो डिवाइडर थे वो चेकर से कस बहुत नए नए लग गए हैं, बहुत सुंदर लग गए हैं।
तो आप एक्सरसाइज के लिए भी यहाँ पर वो हैं, बच्चे बड़े आ सकते हैं एक्सरसाइज। यहाँ सिटिंग के लिए बहुत सुंदर बना हुआ है, कलरफुल टेबल बनी हुई है बहुत सुंदर। और यहाँ देखिए दूर पर ही, मैं वीडियो नहीं दिख पाएगा, यहाँ लेडीज़ें बहुत सारी लेडीज़ें झूला झूल रही हैं। देखिए आप, मैंने जूम करके थोड़ा सा वीडियो बनाया था, यहाँ बहुत सारी लेडीज़ें झूला, क्योंकि अपने घर की टेंशन से, अपने घर के प्रॉब्लम से सब लेडीज़ें फ्री होके आती हैं, थोड़ा सोचती हैं इंजॉय कर लें बच्चों के साथ तो माइंड फ्रेश हो जाए। तो देखिए यहाँ बहुत सारी लेडीज़ें झूला झूल रही हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं कि वो उतरे तो हम भी झूला झूल पाए। तो बच्चों के पीछे पीछे हमें लगे रहना पड़ा। एक बहुत ही मस्ती कर रहा छोटा सा बच्चा, देखिए ये देखिए खूब रेता खेल रहा है वो, अब बहुत मस्ती कर रहा है, उसकी मम्मा कहीं पर बैठी है, वो बहुत इंजॉय कर रहा है मस्ती मट्टी के साथ खेल के। तो हम यही सब देख रहे थे। अच्छा लगता है जब हम बच्चों को खुशियां देते हैं, छोटी छोटी खुशियां में बच्चे जब हम खुश होते हैं, वो खुश होते हैं तो माँ बाप पेरेंट्स भी खुश होते हैं। और पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि बच्चे खुश रहे हमेशा, और जो उनको नहीं मिला वो बच्चों को, अब हर माँ बाप यही सोचते हैं जो उनको नहीं मिला, जिस चीज़ से वो रूबरू नहीं हो पाए, वो हर चीज़, वो हर खुशियाँ बच्चों को दे सके, तो वो हर कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को हर खुशी दे सके। हर कोशिश, हर पेरेंट्स का यही होता है, चाहे वो छोटी खुशी हो चाहे बड़ी, हर यही चाहते हैं कि वो पूरी खुशियाँ दे पाए। और बच्चे अगर खुश रहते हैं तो माँ बाप उनको देख के ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो झूला है स्लाइडर वाला, ये लोहे का है, ये दो झूले अभी अभी नए लगे हैं, ये पहले नहीं थे, क्योंकि हम लोग मंथ में टू मंथ या थ्री मंथ में आते ही रहते हैं ये गार्डन, क्योंकि दूर है थोड़ा सदर, बहुत दूर तो नहीं, सिटी में ही है पर इतना नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए अभी मौसम थोड़ा गर्मी और ठंडी दोनों का बीच का है, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो मैंने सोचा चलिए बच्चे स्वेटर पहने हुए, अभी बहुत ठंड नहीं आई, गर्मी नहीं आई है, तो स्वेटर जैकेट पहना के ही लाई हूँ। अब देखिए बच्चे को थोड़ा ऊपर सीढ़ी चढ़ाना सिखा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी में पेरेंट्स ही उनको आगे बढ़ना सिखाते हैं, जब तक वो हिम्मत नहीं करेंगे कहीं आगे बढ़ने की, तो वो ज़िंदगी नहीं अच्छे से, स्ट्रगल में आगे बढ़ना नहीं सीख, कैसे स्ट्रगल किया जाता है, तो इसलिए देखिए उसको पापा उसको सिखा रहे हैं कैसे सीढ़ी चढ़ना है, कैसे उतरना है, तो डरते डरते चढ़ रहा है। अब देखिए उसको थोड़ा डर तो लग रहा है, अभी हमें पूरा गार्डन घूमना है, क्योंकि गार्डन बहुत बड़ा है और अभी हम घूमे नहीं, क्योंकि जैसे ही हम एंट्री किए वैसे झूले दिख गए खाली, तो बच्चे झूले के लिए, क्योंकि हम तो उसी को घुमाने के लिए लाए थे, तो पहले तो फर्स्ट प्रिपरेशन उसी को देंगे, तो हम पहले झूला झुला दें उसको, तो पूरे झूले, अब वो जब तक झूलेगा नहीं तब तक वो मानेगा नहीं, तो हमने सोचा चलो पहले उसको झूला झुला देते हैं। तो उसके मैंने बोला उन उसके पापा से कि आप भी झुलाइए उसको, तो वो भी झूल पा, देखिए उसके पापा भी झूला झूलने लगे हैं। तो हमें कभी कभी अपना बचपन भी जीना चाहिए तो अच्छा लगता है, याद आ जाती है पुरानी बातें पूरी, जब हम वहाँ गांव में जाते थे कभी कभी अपनी दादी लोग के यहाँ, तो वहाँ से दूसरे वो पेड़ों में जो झूले बंधे रहते थे उसमें भी बहुत मज़ा आता था, पेड़ों में जो चक्के के साइकिल के टायर हो तो उससे बांध दिया जाता था, उस पर हम झूलते थे, क्योंकि हम गर्मी में की छुट्टी में दादी नानी के यहाँ जाया करते थे। तो ये देखिए साइड से ही रोड है और ये चेकर्स लग रहा है अभी नए, तो गार्डन की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत सुंदर लग रहा है गार्डन, ग्रीनरी है, तो सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी फाउंटेन चालू नहीं हुआ है, बहुत सुंदर फ्लावर भी फूल भी खिले हुए हैं छोटे छोटे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हम सोचे चलो झूला झूल चुके हैं तो पूरे में पहले राउंड एक मार लेते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत सारे झूले हैं, तो हमने फ़ोटो वोटो क्लिक करवा चुके हैं सब, हम जाएंगे पूरा राउंड मारेंगे गार्डन, क्योंकि थोड़ा तो टाइम लगेगा इतना बड़ा गार्डन है तो, और आगे भी बहुत सारे झूले, तो अभी बच्चा वहाँ भी झूलने लगेगा। तो हम यहाँ आ चुके हैं, अब देखिए ये देखिए बहुत, ये जो ब्रिज है बहुत सुंदर है, ये ब्रिज, यहाँ जो फाउंटेन है जो सामने, ये नाइन, वैसे तो गूगल में मैंने सर्च किया था तो लिखा था कि 9 o'clock तक ओपन रहता है, पर गार्ड से मैंने पूछा तो वो बोले 7 o'clock तक रहता है, तब मुझे अच्छे से पता नहीं, क्योंकि ये शाम हम लोग इतने लेट तक रहते नहीं हैं, ज़्यादातर जब बंद होने के पहले ही हम लोग निकल आते हैं। तो ये जो फाउंटेन है बहुत सुंदर लगता है, यहाँ फाउंटेन आप आइएगा तो कभी शाम के टाइम आइएगा यहाँ का नज़ारा देखने, क्योंकि बहुत सुंदर है यहाँ का नज़ारा, यहाँ बहुत सुकून शांति मिलती है, बच्चों को खेलते देख के बहुत आनंद आता है, छोटे छोटे बच्चों को उनकी खुशियाँ देख के बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए बहुत इंजॉय कर रहे हैं सभी लोग,
हमने भी अपनी बहुत सारी पिक क्लिक की, बहुत सारी वीडियो बनाए, बहुत सारी पिक क्लिक की यहाँ कि बहुत सुंदर जगह है। तो चलिए यहाँ, अभी यहाँ काम भी चल रहा है रिपेयर का, कुछ कुछ काम चल रहा है अभी, कोई पता नहीं, कोई बाई लोग मजदूर लोग लगे हुए हैं तो रिपेयर हो रहा है कुछ कुछ। तभी हम लगभग हम पूरा गार्डन घूम ही चुके हैं अब ज़्यादातर। देखिए पूरा गार्डन अब हम घूम चुके राउंड राउंड में हैं। और यहाँ जो एक बच्ची आई हुई है बहुत सुंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है, साइकिल ली हुई है, तो ज़्यादातर उसी को लोग वॉच कर रहे हैं क्योंकि बहुत सुंदर इलेक्ट्रिक साइकिल ली हुई है उसने। तो बहुत सुंदर है वो स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर बोली जाती है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अब ये दूसरे साइड ये बहुत सुंदर फिर से झूले लगे हैं, दूसरी साइड स्लाइडर है ये टेढ़े वाली, तो बहुत सुंदर। यहाँ लड़कियाँ जो कॉलेज और हॉस्टल की लड़कियाँ वो झूला झूल रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, हॉस्टल से आई हैं या फिर कॉलेज से आई हैं तो वो भी झूला झूल रही हैं आके। ये अभी कलर हो गए हैं, पहले अभी कलर नहीं थे, तो नए नए झूले लग गए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मल्टी कलर के हैं। तो देखिए बच्चों को चढ़ने के लिए बहुत अच्छा वो बना है सीढ़ी से, ये पत्थर लगे हुए हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं चढ़ना, तो बहुत अच्छे से बच्चे देखिए एक एक करके अपना बैलेंस संभाल के चढ़ रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे झूले हैं, बहुत सुंदर झूले हैं। यहाँ मम्मा लोग भी अपने बेबी को झूला रही हैं, चढ़ा रही हैं, देखिए सब लोग बच्चों को कितना अच्छा लगता है जब हम बच्चों को अपना कुछ करना सिखाते हैं, उनको आगे बढ़ना सिखाते हैं। ये देखिए ये जो इलेक्ट्रिक बाइक को स्कूटर है जो साइकिल, मुझे अच्छे से पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, ये देखिए ये बहुत तो लोग इसको बहुत वॉच कर रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रही है। पूरे गार्डन में वो बच्चियाँ लेके पूरे घूम रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, तो लोग उनको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं आगे क्योंकि अब थोड़ी देर में हम निकलेंगे ही, काफ़ी घूम चुके हैं, पूरा गार्डन घूम ही चुके हैं लगभग, तो थोड़ी देर में हम बाहर जाएंगे और फिर घर जाएंगे। और ये जो कैंट एरिया है बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लीन एरिया है, बहुत साफ़ सुथरा एरिया, बहुत अब ये, तो इसलिए ज़रूर आइए घूमने हमारे जबलपुर जब भी। और जबलपुर में तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, भेड़ा घाट, ग्वारी घाट, बहुत सारे है, टेम्पल भी बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ। आप जब भी आते हैं जबलपुर तो ज़रूर घूमिए, सर्च कर सकते हैं गूगल में जबलपुर में बहुत सुंदर। देखिए शूट है, फोटो शूट, फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पर, कैमरामैन फोटो सेशन कर रहे हैं। यहाँ एक बच्चा गीला होगा तो उसकी मम्मा उसके कपड़े चेंज कर रही है। तो बहुत भीड़ है, शाम होती जा रही तो लोग भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि शाम के टाइम गार्डन का नज़ारा ज़्यादा सुंदर लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, या आपको पसंद आता है तो करिए, नहीं पर ब्लॉग ज़रूर देखिए क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से बनाती हूँ ये ब्लॉग। तो ये अब हम गार्डन के बाहर आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर। तो लोग सभी ज़्यादातर लोग निकल रहे हैं क्योंकि शाम हो चुकी है, तो हम गाड़ी स्टैंड से हटा के अब जा रहे हैं हम घर। हमने सोचा कि चलो हम घूम रहे हैं तो ब्लॉग बना कर अपने डाल देते हैं, जो जबलपुर के लोग नहीं हैं तो वो हमारे जबलपुर का गार्डन भी देख लें, घूम लें हमारे साथ। तो हम जा रहे हैं गार्डन, ये है बाहर का नज़ारा। तो हम पैसे देके स्टैंड वालों को, अब हम जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय बाय दोस्तों, मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।